हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं अनीता, आप सभी का मेरे चैनल माँ की रसोई घर में स्वागत है। तो आज फिर रेसिपी लेकर आप सभी लोग के लिए आ गए हैं, तो चलिए माँ की रसोई घर में बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही अलग तरह का आलू पराठा। तो उसके लिए हम यहाँ पे दो आलू ले लिए हैं, उबला हुआ आलू है, इसे छील कर ले लिए हैं। तो इसे हम ग्रेट कर लेंगे, आप इसे बारीक मैश करके भी ले सकते हैं, हम इसे ग्रेट करेंगे। हम यहाँ पे एक ग्रेटर ले लिए हैं और इसमें ग्रेट करेंगे। ग्रेट करने से क्या होता है कि गुठलियाँ इसमें आलू का नहीं रहता है, बहुत अच्छा से ग्रेट हो जाता है। देखिए कितना अच्छा ग्रेट हो रहा है। तो आलू को देखिए कितना अच्छा हमने एकदम महीन ग्रेट कर लिया। अब इसमें हम एक कटोरी गेहूं का आटा रख लेंगे। अब इसमें हम पानी थोड़ा थोड़ा डाल के और इसको घोलेंगे। तो पानी डालकर इतना गाढ़ा हम घोल लिए हैं। तो अब इसमें हम सभी मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच छोटे चम्मच से जीरा पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच छोटे चम्मच से गरम मसाला डालेंगे और स्वाद के अनुसार नमक डाल लेंगे। तो यहाँ पे एक प्याज को इस तरह बारीक काट कर ले लिए हैं, इसे डाल देंगे। थोड़े से अदरक को घिस कर लिए हैं, इसे भी डाल लेंगे। और यहाँ पे बारीक कटे हुए धनिया पत्ता थोड़ा ले लिए हैं, इसे डाल लेंगे। और यहाँ पे हरा मिर्च लिए हैं बारीक काट कर, इसे डाल लेंगे। और इन सभी को डालकर अच्छे से मिला लेंगे। इसे चलाते हुए अच्छे से हमने इसका घोल तैयार कर लिया, अच्छे से मिला लिया। तो इतना गाढ़ा हम इसका घोल रखेंगे। तो इस घोल में हम सूजी भी थोड़ा डाले हैं, वो वीडियो स्किप हो गया इसलिए हम नहीं दिखा पाए। एक कटोरी आटा लिए हैं तो आधा कटोरी सूजी ले लीजिएगा। तो घोल तैयार हो गया, तो चलिए अब पराठे बनाते हैं इसका। तो गैस जलाकर तवा गर्म होने के लिए रख दिए थे, गर्म हो चुका है। तो इसके ऊपर हम रिफाइंड तेल लगा लेंगे। आप जो तेल का उसमें इस आलू पराठा को बना सकते हैं। अब हम करछल में घोल लेंगे और तावे में रखेंगे और इसे फैला देंगे। किनारे भी हम थोड़ा तेल डाल देंगे कि थोड़ा सा सीख जाए। तो इसके किनारे किनारे हम थोड़ा फिर तेल डाल देंगे। तो ये एक तरफ अच्छा से सीख गया है, तो इसे हम पलट लेंगे और इस तरफ भी हम किनारे पर तेल डाल देंगे। तो ये दूसरी तरफ भी बढ़िया से सीख गया है, तो इसे हम पलट लेंगे और इसे अलट पलट के बढ़िया से सेक लेंगे। ये आलू का पराठा तैयार हो गया, तब इसे हम निकाल लेंगे और इसी प्रोसेस से सारे हम पराठे आलू के बना लेंगे। ये दोस्तों गर्मा गर्म आलू का पराठे बनकर तैयार हो गया। ना ही हमको आटा सानना पड़ा और ना हमको स्टफिंग तैयार करना पड़ा आलू का, और बहुत ही टेस्टी आलू का पराठा बनकर तैयार हो गया। तो इस तरह आप लोग भी पराठे बनाकर खाइएगा और कमेंट कर बताइएगा कि ये रेसिपी आप सभी को कैसा लगा। रेसिपी अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे समय जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी को समय समय पर मिलता रहे। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।